it. Yeah. तुम क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि बड़े होकर इमरान खान बन जाऊँ। बड़े होकर इमरान खान बन जाओ। क्रिकेट को तुम खेलते नहीं, इमरान खान खाक बनोगे? यही तो प्रॉब्लम है, किसी न किसी सिफारिश करवानी ही पड़ेगी। अरे यार, सिफारिश के बगैर इमरान खान बनो तो तब बात। यहाँ जरा मुश्किल है। तो फिर सिफारिश भी जरा मुश्किल है। फिर मैं अभी से रिटायर हो जाता। क्या हुआ, क्रिकेट खत्म हो गई? यह हामिद बहुत ही बेईमानी करता है। क्यों हामिद? हाँ, मैं बेईमानी करता हूँ। क्यों करते हो? मेरा अब्बा कहता है जब सारा माशरा ही बेईमान है तो मेरे बेटे ईमानदार क्यों रहे। नाराज होने की जरूरत नहीं। और हाँ, इतनी सी उम्र में ये लंबी लंबी लीडरों वाली तकदीरें नहीं किया करते। माशरे का मतलब पता है तुमको? माशरे का मतलब तो नहीं पता, हाँ बेईमानी का मतलब जानता हूँ। इससे ज्यादा बेईमान पार मैंने नहीं देखा। खैर ये बात तो तुम रहने दो। वर्ल्ड मैचेस जो है इस दफा यहाँ हो रहे हैं, वो जो अंपायर है वो हामिद से भी दो हाथ आगे होंगे। ये कोई टेस्ट मैच तो नहीं हो रहा था, मेरे मुंह पे गेंद लगी, मुझे LPW दे दिया। मेरी मर्जी, अगर विकेट तुम्हारे से बढ़िया तो मैं क्या करूँ? मिडिल स्टंप पर इसका मुंह था। इसी वजह से मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आप कहानी सुना रहे हैं या मैं जाऊँ? सुना रहे हैं कहानी, लेकिन एक शर्त पे। पहले हम सब आपस में दोस्ती कर लें। यस। इस तरह का झगड़ा रोज होता है, हम लोग आपस में लड़ रहे कहाँ जाएंगे? क्रिकेट क्यों बंद कर दी? गेम गार्डन में चली गई है। अब हसन कल नई गेंद ला देंगे तो शाम में मैच दोबारा शुरू हो जाएगा। मुझे पता है यही मसला था, मुझे पता है। हसन एक नई गेंद ला देंगे। चलो भाई, चलो अकबर लेके आओ एक नई गेंद। ए, कुछ पैसे बचे तो मेरे लिए एक बबली भी लेते आना। तुम साथ क्यों नहीं चले जाते? ये भी ठीक है, तुम जाओ। चलो बेटे, एक बात सुनोगे? मेरे पास कुछ नहीं है। हमारे पास भी कुछ नहीं बेटा, मुलाजमत चाहिए। मुलाजमत तो इस मुल्क के 3-4 करोड़ नौजवानों को भी चाहिए। अम्मा चलो, जब किसी शहर पे आफत आती है ना बेटा, तो तहसीब, तमीज, दुख, दर्द, एहसास सब इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे खुश्क पेड़ से तपती धूप में परिंदे। बेटा, जिस इंसान से बात कर रहे हो उसकी तरफ देख लेने में कोई हर्ज तो नहीं। माफ कीजिएगा, अपनी किसी परेशानी में उलझा हुआ था। मुलाजमत आपको चाहिए, आप लोगों को तशरीफ के आइए। हाँ, ये तो हमको हमसे ज्यादा परेशान मालूम होता है। अरे बिटिया, हर शरीफ आदमी परेशान है। तुझे तो मुलाजमा चाहिए ना, तो यही घर ठीक है, ऐसे ही घर अच्छा है। तशरीफ रखिए ना। अम्मा कुर्सी पर बैठ जाओ। अरे बिटिया, सारी जिंदगी तो बैठना नहीं जो कुर्सी पर बैठूं। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। आप भी तशरीफ रखिए ना। शुक्रिया, हम ऐसे ही ठीक हैं। साथ कौन कौन रहता है? मेरे अपने बारे में तो हमें मालूम है,
हम तो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं बेटा। मेरे साथ 8-10 लोग रहते हैं। फैज अहमद, फैज, मंटू, रोशन आरा बेगम, बड़े गुलाम अली खान, शाकिर अली, साद खान, बहुत सारे लोग। अकेले रहते हो? अकेला रहना भी चाहूं तो ये लोग अकेला नहीं रहने देते। बेटा मुलाजमत इसे करनी है, घर में औरत का होना बहुत जरूरी है। सारी जिंदगी हम ख्वाहिशों और जरूरतों के बोझ तले दबे रहे बेटा, पर किसी किस्म का इल्जाम अपने सर नहीं आने दिया। आप तसल्ली रखें, मैं दूसरों से बहुत मुख्तलिफ। राह रास्त से भटकने में कितनी देर लगती है बेटा? मैं अगर राह रास्त से भटक भी गया तो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तुमसे मिलकर हमारा जी बहुत खुश हुआ बेटा, अल्लाह तुमको खुश रखे। एक मिनट, आपने कहा था ना कि इस घर में एक औरत का होना जरूरी है? हाँ बेटा कहा था। तो आप ऐसा कीजिए ना कि आज आप यहाँ रह जाइए और कल से ये आ जाएंगी। पर इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि कल जब ये यहाँ आएंगी तो इस घर में एक बुजुर्ग खातून पहले से मौजूद होंगी, फिर ये घर अकेला तो नहीं रहेगा। हम कुछ समझे नहीं बेटा। ये इधर ये बाबरची खाना है और इसके साथ इधर एक कमरा है, उसके साथ एक गुसलखाना भी है, वो आप ले लीजिएगा। मैं तो ज्यादातर वक्त घर से बाहर रहता हूं। आप लोगों को कहीं जाना हो ना तो दरवाजे की चाबी ये बाहर गमला है यहां, यहां रख जाइएगा। मोहल्ले के 4-5 बच्चे हैं, उन्हें हर वक्त यहां आने जाने की इजाजत है। तनख्वाह की बात मैं नहीं करूंगा, पर्स वहां रखा हुआ मेज पे, जितने पैसे हों आपको जरूरत हो आप ले लीजिएगा, और हिसाब मुझे कभी मत बताइएगा। क्या रोजे हिसाब पूछोगे? नहीं, हिसाब से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा बेटा ये बताओ आज रात को खाना क्या खाओगे? आज आप यूं कीजिए कि जो आपकी मर्जी है वो बना दीजिए, ना पसंद आया तो कल से अपनी मर्जी का बताऊंगा आपको। और हाँ, अगर आपको मौसीकी पसंद है तो आपके जमाने के सारे गाने मेरे पास मौजूद हैं। हमारा तुम्हारा जमाना मुख्तलिफ नहीं बेटा, हमको तुम कबल मसीह समझ रहे हो क्या? नहीं, आप उम्र में मुझसे थोड़ी सी तो बड़ी है ना, इस हवाले से कह दिया था। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास रसूलन भाई के गाने हैं? रसूलन भाई? हाँ। वो तो खुद मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। सांवरिया रे काहे मारे नजरिया। बेटा अगर तुम्हारा आवाज अच्छी होती ना तुम्हारी तो हम पूरा गाना सुनते। खुदा हाफिज। सांवरिया रे काहे मारे नजरिया। क्या सब कुछ बिगड़ गया? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है इस घर में इंसान आ गए। कैसेट तो अपने अपने डब्बों में है ना? बहुत सारे कैसेट गायब हैं, खाली डब्बे रखे हैं। हाँ गाड़ी में पड़े हैं। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। हमको गाना वाना नहीं आता, अम्मा कभी कभी ठुमरी गाती थी, उनको सुन के याद हो गया है। खाना खाएंगे? हाँ खा लेते हैं। ये लो बारिश खाने में। Mm-hmm.
मोती हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा बेटे। कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ अम्मा, ऐसी क्या बात है जो हमसे कहते हुए घबरा रही हो? हमको तो एक ही शाम परेशान कर गई बिटिया। मुख्तसर सुकून को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये तो क्या पढ़ रही है? मंटो है। जो बेचारा खुद परेशान ही मर गया उसको और क्यों परेशान कर रही है? और देख जो वक्त तेरे पास है ना उसको पढ़ने लिखने के बजाय झाड़ने पोछने में गुजार दे। और हाँ, हसन पर मत जाहिर करना कि तू पढ़ी लिखी है, समझी? अम्मा, हम और तुम कैदे बेजंजीर कब से झेल रहे हैं? कभी गौर किया? पहली बार दिन के गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। जितने दिन भी यहाँ हैं, जिंदगी के तंगी के इम्कान को छुपाए रखने की कोशिश करेंगे। अरे बेटी, मुश्किल तो यह है कि तू मेरी बेटी कम और दोस्त ज्यादा है, और मैं दोस्त को नाराज नहीं करना चाहती। पता नहीं ये खुश सलूकियां कितने दिन रहती हैं। आज 13 तारीख है, 20 तारीख को उसको मकान खाली करना है। 20 तारीख को? वो क्यों? कल खाने की मैं इस पे बता रहा था, कैलेंडर पे भी 20 बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। हम तो 20 तारीख को उसकी सालगिरह का दिन समझ रहे हैं। हाँ, पता नहीं दूसरे घर में हमारे लिए जगह बनती भी है या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मुलाजमत सिर्फ 8 दिन की है। यहाँ से चले जाएंगे तो पता नहीं फिर कब पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा। अरे बैठी रहे, तू भी क्या याद करेगी कि किस दोस्त से पाला पड़ा है। ये किताब खत्म हो जाए तो दूसरी शुरू कर देना, समझी? आज अंदाजा हुआ। किस बात का? इस बात का कि रोमियो को जूलियट क्यों पसंद थी। माने? माने ये, बालकनी पे खड़ी हुई हर लड़की जमीन पे इंतजार करने वाले को बड़ी हसीन दिखाई देती है। सड़क पे खड़े होके इतनी जोर से नहीं बोलते। दूर दूर तक कोई नहीं, हम सुन रहे हैं। अच्छा नहीं लगता। 5 दिन पहले तो हमारे अलावा और आपका कोई नहीं था। मेरा भी तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं। फिर बालकनी में बुड्ढी कौन है? बड़ी बात, बुड्ढी नहीं बोलते। क्या ये बुड्ढी से बड़ी है? ये दादी जान है। इस वक्त तो सिर्फ दादी नजर आ रही है। 4-5 दिन से हमें लिफ्ट कम मिल रही है। सुपरमैन की कहानी भी अधूरी छोड़ दी। ठीक ठीक बताएं, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आई हैव नो प्रॉब्लम। ये कहानी खत्म क्यों नहीं करते? 20 साल को घर छोड़ रहे हैं। घर तो इनके अब्बा भी नहीं छोड़ता। ऑल राइट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कार। चलो चलो अब अब गाड़ी स्टार्ट होने लगी। हट 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 हट। सब दुआ मांगे, सब रेडी? पंद्रह दिन से कह रहे गाड़ी ठीक कर लो और आज खुद बहुत ठीक हो गई। यार नवीद, देयर इज सम चक्कर। यार देयर इज नो चक्कर। तुम लोग बहुत बातें करने लग गए।
हाँ, सुपरमैन की कहानी कहाँ तक पहुँची थी? चलो यस, तो खराब आदमियों की दावत में खराब खाना खा के उसकी तबीयत खराब हो जाती, तो वो लोग ले जाके उसको सरकारी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में शरीक कर देते। और कोई वार्ड नहीं मिला था? अबे कोई और वार्ड मिलता तो कहानी खत्म कैसे होती है? तो फिर ये होता है कि चार पांच बच्चे उसको ढूंढते हुए चार पांच दिन के बाद सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और सरकारी डॉक्टर से पूछते हैं कि सुपरमैन का क्या हाल। तो सरकारी जो डॉक्टर है वो अपनी ऐनक उतारता है, अपनी आस्तीन से साफ करता है और कहता है, मुझे बड़ा अफसोस है कि कल रात गलत इंजेक्शन लगने की वजह से सुपरमैन का। कहानी खत्म करना थी तो किसी और को मार देते। सुपरमैन कभी मर नहीं सकता। सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में सुपरमैन मर सकता है। कैसे कह सकते हो? मेरा चाचा भी सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में मर गया था। अपने चाचा को सुपरमैन से क्यों मिला रहे हो? मेरा चाचा मेरे लिए सुपरमैन ही था। मैं कहता चाचा अकबर को टफी चाहिए, चाचा शून से जाता और दो मिनट में टफी लाता। मैं कहता चाचा अकबर को लाल टी शर्ट चाहिए, चाचा शून से जाता और लाल टी शर्ट लाता। सुपरमैन भी तो यही करता है। भाई इज राइट, अकबर का चाचा सुपर सुपरमैन। और हमको मौका मिला ना तो हम एक वीडियो कैसेट बनाएंगे, अकबर का चाचा नंबर वन, अकबर का चाचा नंबर टू एंड अकबर का चाचा नंबर थ्री। यस, हाय मनाज। देखो ये मेरे वो चारों दोस्त हैं जिनका मैं तुमसे पिछले पांच दिन से जिक्र कर रहा हूँ। हमसे इनका जिक्र नहीं किया। पांच दिनों में हमसे मिलते तो शायद जिक्र करते। ये वाला अकबर है। खुश हो। अहमद। ये वाला हामिद है। सलाल जी, मैं नवेद हूँ। हाँ। और ये है हसन, सबसे शरीफ बच्चा। आज कहानी में सुपरमैन को मार दिया। सुपरमैन तो अच्छा आदमी है। हाँ, और अच्छे आदमी कभी मर नहीं सकते। चलो फिर फैसला हो गया, आइंदा आप कहानी जो वो आप लोगों को मोती सुनाया करेगी। कहाँ जा रही? बाबर की दुकान पे अम्मा कुछ सामान वामान भूल आई थी। हम लोग लाते हैं, जब तक आप हसन को कप नहीं दें। सोचता हूँ कि अगर ये पांचों ना होते तो मैं क्या करता। पांचों? चार तो ये हैं। बाकी हिसाब नहीं आता। आज 18 तारीख है। परसों मकान खाली करना है। हाँ। सुबह या शाम? किसी भी वक्त। आज मैं अपने दोस्तों को घुमाने ले जा रहा हूँ, चाहो तो तुम भी साथ चलो। अम्मा से पूछ लेते हैं। पूछ लिया उनसे। कोशिश करें कि मकान खाली ना करना पड़े। कोशिश तो कर रहा हूँ, आगे जो मालिक की मर्जी। कुछ सुनोगी? वही लगा दे जो लगा हुआ है। हाँ भाई, किधर चलें? अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो समझा था ये कहेंगे बच्चों कहाँ उतरोगे। मोती से पूछते हैं। मोती कहाँ चले? भाई जहाँ आप लोग सब चलना चाहो। समंदर। ठीक है भाई, समंदर तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि पहले मोती गाना सुनाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था ये बगैर शर्त के भी तैयार हो जाएंगी। हाँ ठीक कह रहे हो।
क्या सुना है? जो तुम्हारी मर्जी। कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कोई गजल सुनाओ। गजल? हाँ भाई, अकबर साहब की फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा अकबर साहब, गजल हाजिर है? इजाजत है। खामश के गम है अगर थम रहे रहे न रहे, खामश के गम है अगर थम रहे रहे न रहे, मिजाह पे आन के टुक जम रहे रहे न रहे, मिजाह पे आन के टुक जम रहे रहे न रहे, यही है अज़्म के जी भर के आज रो लीजे, यही है अज़्म के जी भर के आज रो लीजे, के कल ये दीदे पूर्णम रहे रहे न रहे, के कल ये दीदे पूर्णम रहे रहे न रहे, जो मिलना चाहो तो मिल लो के हम बनो के गया, जो मिलना चाहो तो मिल लो के हम बनो के गया, मिसाल कतरे शबनम रहे रहे न रहे, मिसाल कतरे शबनम रहे रहे न रहे। बस अकबर साहब, अगला शेर याद नहीं आ रहा। हम लोग जाएं या तुम लोग जा रहे हो? सब चलते हैं। ऐसा करो, तुम लोग जाओ, मुझे मोती से कुछ बातें करनी है। चलो ये ठीक है। को कब से जानती हैं? ये कोई 5 दिन पहले ही मुलाकात हुई है। You know, he's very nice. I know. ये जो बार बार विस्तार को घर छोड़ने का कह रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? घर तो उसका अपना है और पेंटिंग बेच बेच के मेरे मामू को पैसे दिए थे घर के लिए। अच्छा, जरा मालूम तो करें। ठीक है, अभी मालूम कर लेते हैं। चलो। ये सरगोशियां कह रही हैं अब आओ, कि बरसों से तुमको बुलाते बुलाते मेरे दिल पे गहरी थकन छा रही है। समंदर का बुलावा मीरा जी की बहुत खूबसूरत नज़मों में से एक है। पढ़ी लिखी हो या मैं शायरी का शौक? इस बात का जवाब हम आपको बाद में देंगे, पहले ये बताएं ये घर किसका है? ये अकबर है तो छोटा,
मगर अकल में अकबर बादशाह से भी बड़ा है। He is right. ये घर मेरा ही है। फिर 20 तारीख को इसको छोड़ने के क्या माने? यही कहने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ रोका है। ये बता तुम मुझे कैसा समझती हो? कुछ ज्यादा ही अच्छा। मेरे माँ बाप भाई बहन भी मुझे बहुत अच्छा समझते, मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे पीछे दीवाने थे। हसन है तो जहान है, हसन है तो घर घर है, हसन है तो दुनिया है। मैं एक दिन तस्वीर बना रहा था कि दर्द महसूस हुआ, मेरे एक दोस्त डॉक्टर है उसको जाके दिखाया, उसने अगले दिन क्लिनिक बुलाया, सारा दिन मेरा मायना करता रहा। फिर मुझसे कहने लगा, हसन आई एम सॉरी। क्या मतलब? मैंने भी उसे यही कहा था। कहने लगा आप बहुत जल्द मर जाओगे। मैंने कहा किस पर? उसने रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी। वो रिपोर्ट मैंने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबसे छुपा ली। मैंने सोचा जिस बीमारी का इलाज ही नहीं है उस पर अपने माँ बाप की ईमानदारी और मेहनत से कमाई हुई रकम क्यों खर्च करवाऊं? जानते हो फिर मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने अपने आप को उनकी नजरों में इतना गिरा लिया, इतना गिरा लिया कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो दिन और आज का दिन ना कोई मेरी खबर लेने आया ना कर मुझे पूछने आया। एक साल हो गया इस बात को। पिछले महीने डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बस एक महीना और जियोगे, तो एक महीना होने को है। 20 तारीख? हाँ 20 तारीख। देखो मेरे जाने के बाद तुम और अम्मा इसी घर में रहना, बच्चों को किसी कसम की मेरी कमी महसूस मत होने देना। चले घर चले। अभी से? हाँ। क्या हुआ? वक्त के मुख्तसर लम्हे ने परेशान कर दिया? नहीं, सुपरमैन कभी मर नहीं सकता। जब तक हम जिंदा हैं किसी भी कैलेंडर में 20 तारीख कभी नहीं आएगी। जाने से पहले एक वादा करो कि तुम इन बच्चों को हमेशा कहानी सुनाती रहोगी और मेरी कमी कभी महसूस नहीं होती। वादा। इस तरह नहीं। वादा। गजल का सबसे अच्छा शेर तो तुम भूल ही गई। रहे वो लोग जो बज़्मे जहां की रौनक है, हमारा क्या है अगर हम रहे रहे न रहे। जल्दी आना पड़ा। बुद्धि रो क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं। शायद हसन ने मोती को काहे तो ब्याही बदेश सुना दिया। ओह इस तरह भी नहीं। मोती कुछ नाराज दिखाई दे रही है। हाँ ऐसा लग रहा है कि मोती को समुद्र से निकाल के लिया है। मोती नाराज नहीं है, मोती तो ये सोच रही है कि वो कल से तुमको कौन सी कहानी सुनाएगी। 20 तारीख का क्या हुआ? 20 तारीख कभी नहीं आएगी। इसका मतलब है he is not going. कभी नहीं। ये ले पक। चलो चलो बैठो बैठो, come on.
चलो 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 इन 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 क्या होगा रोड लो रोड लो रोड लो चलो 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 मोदी को भी बैठने दो कम ऑन आ जाओ मोदी के लिए फूल ले ले हां भाई लाओ फूल भी दे दो मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ ये मेरा जाती मामला है। खामखा माहौल को अजियत अंगेज और संजीदा बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सहारे से महरूम, बच्चों की दोस्ती से माजूर, मैं रहना तो नहीं चाहता लेकिन क्या करूं। सुन रही हो ना? हाँ, कहते जाओ। 5 दिन गुजर गए, इन 5 दिनों में एक लम्हा भी तुम्हारे सहारे से महरूम नहीं रहा। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। दुआ करो ये 20 तारीख भी गुजर जाए, फिर देखना दिन किस आसानी से गुजरेंगे। ठीक है। क्या सोच रही हो दोस्त? हम इस दोस्ती के नाते को इतनी जल्दी नहीं तोड़ना चाहते। हमारी तुम्हारी दोस्ती की नाता टूटने वाला थोड़ी है, किसी एक के जाने से फासला जरूर हो जाता है, दोस्ती तो खत्म नहीं होती। अच्छा चलो जल्दी से अपनी कोई ख्वाहिश कोई जरूरत बताओ ताकि मैं महसूस कर सकूं कि मैंने तुम्हारा उधार कम करने की कुछ तो कोशिश की। हमारा उधार? हाँ मोती, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा कितना मकरूज हूं। तुमको ये सब कुछ बताना नहीं चाहिए था। ना बताता तो बेईमानी होती। मैं बच्चों की दोस्ती में कभी बेईमानी की तरफ जाने ही नहीं दिया। बेहतरीन दोस्त है। तुम्हारे सिवा हमारा किसी से दोस्ती तो क्या दुश्मनी का भी इम्कान नहीं है। तुमको शायद हमारी जिंदगी की बेरंगी का अंदाजा नहीं है। अगर होता तो ये सब कुछ नहीं बताते। यकीन मानो मोती, परसों बाद ये दिल चाह रहा है कि बस धड़कते ही रहे। तुमसे मिलकर मैं कितना खुश हूं। तुम कहीं छुप के देख सको तो तुम्हें अंदाजा हो। नाराज हो? हाँ, और एक बात अच्छी तरह से जान लो, तुमको जिंदा रहना है, बस इसके बाद हम कुछ और नहीं जानते। और इस मर्ज का क्या करूं जो धरना दे के बैठ गया? ऐसी तैसी इस मर्ज की। देखो मोती, मेरे बारे में तुम्हारे अलावा किसी और को हमको भी कुछ नहीं मालूम, हम कुछ नहीं जानते, और कहानी भी तुम खुद ही सुना देना। बेटे खैरियत तो है? जी अम्मा खैरियत।
क्या कर रही हैं अम्मा? हम मोती की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। 40 बरस हो गए हमको चने पड़ते हुए, कभी अपने लिए, कभी गैरों के लिए, कभी परायों के लिए। आज किसके लिए पड़ रही है? कह रही थी बाद में बताऊंगी, कोई दुआ मांगी है। गई कहाँ? पर्ची खाने में है। एक बात तो हमें बताओ जी, तुम्हारी मुलाजमत तो है नहीं, फिर ये घर का खर्चा कैसे चलता है? 11 बरस मुलाजमत की है मैंने, फंड के पैसे मिल गए थे, कुछ मैंने तस्वीरें बेच दी, 15,000 रुपए अभी मेरे गद्दे के नीचे रखे हैं। आप चाहें तो अपने पास रख लें। क्या कर रही हैं? चीटिंग कर रही हैं? इतने सारे चने एक साथ गिरा दिया आपने। अरे नहीं बेटा, हमने तो कभी उसके बंदों के साथ भी बेईमानी नहीं की। मैं आपको तंग कर रहा था। आज 19 तारीख हो गई, कल मकान खाली करना है। हाँ, लेकिन कुछ तय नहीं है। तुम कुछ परेशान हो? था, अब तो नहीं हूं। आप खुश हैं? पहले हमको अपनी परेशानी बतलाओ। एक उम्र रायगां का रंज है। अरे बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, हमको देखो, जाति नेकनीयत को बरकरार रखने के चक्कर में सब कुछ गंवा बैठे। उम्र खत्म होने को आई है, आजमाइश खत्म ही नहीं होती। इतने सारे चने आप अकेले पढ़ेंगी? 1,000 मरतबा हम पढ़ चुके हैं। मैं तो कहता हूँ इसमें से आधों के छोले बना दे। अच्छा अच्छा, उठो, हमको तंग नहीं करो, चलो यहाँ से। अच्छा ऐसा करें, किसी और के लिए पढ़ने के बजाय आप अपने और मोती के लिए पढ़ लें। बड़ी देर कर दी तुमने। बड़ लगता है बड़ी जिद्दोजहद करके आ रही। अरे बेटा, सारी जिंदगी तो जिद्दोजहद की है, अब और क्या जद्दोजहद करेगी? जद्दोजहद तो करनी पड़ती है अम्मा, अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए, जिसको हम चाहते हैं और अपना मानते हैं। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? 7 रुपये डॉक्टर ने एक नुस्खा लिख के दिया था, पहले वो ढूंढूंगा फिर दवाइयां लेके आऊंगा। क्या तबीयत खराब है? कोई खास नहीं। नुस्खा दीवाने गालिब में रखा है। तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं तो, ये चने छुपाए थे। दीवाने गालिब से तो हम लोग फाल निकाला करते हैं। अभी तो आप नुस्खा निकाल लीजिए, फाल वाल बाद में निकालना। अरे तो तुम क्यों नहीं उठ के निकाल देती? जरा कैलेंडर देखिए। अरे 20 तारीख कहाँ गई? हमने बोला था ना 20 तारीख अब कभी नहीं आएगी। वाह भाई मिर्जा साहब वाह। कौन सा शेर निकाला? आए हैं बेकसीये इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैला भी बला मेरे बाद। सैलाब बला तो बाद में जाएगा, पहले आप जाएंगे और दवाइयां लेके आएंगे। किसी और को ना भेज दें? नहीं, आप एकदम ठीक हैं, चले जाएं। बदतमीजी करने की नहीं हो रही है, जा रहे हैं। हम देख रहे हैं तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो। अम्मा, हसन बहुत बीमार है। क्या बीमार है? जब तक अल्लाह मियां चाहते हैं वो हमारे दरमियान रहेगा, लेकिन जब तक हम चाहते हैं शायद वो ना रहे। हमारा दिल भी कह रहा था। हसन बहुत दुखी है। हम क्या कर सकते हैं बेटे?
कम से कम हम अपने दुखों को काबू में रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो खुश नजर आए तो हमको उससे ज्यादा खुश नजर आना होगा। परसों शाम हमने पूछा था उससे कि बेटा इतने फूलों वाले पौधे इतने ज्यादा तुमने काहे लगा लिए, तो कहने लगा कि थोड़े बहुत फूल तो शायद हम भी देख लें, उसके बाद इस घर में रहने वालों का जी खुश होता रहेगा। सलाम दादी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कहाँ है हसन? अभी आता है। तुम लोग ऐसे करो, बावची खाने में छुप जाओ, जब आएगा तो एक एक करके निकल आना। चलो भागो, जल्दी जल्दी। उस वक्त खरीद देता ना 200 रुपए बच्चा, बहुत महंगी हो गई। सुबह दोपहर शाम हर वक्त एक दवाई खाना है। हाँ, और पेंटिंग्स भी शुरू करना है। हम सारा सामान लेके आए हैं। थैंक यू। पहली पेंटिंग कौन सी बनाओगे? द लास्ट सपर। थैंक यू हसन। अरे आप मौजूद हैं? हेलो हसन। थैंक यू हसन। क्या बना रहे हो? बेवकूफ बना रहा हूं। तुमने तो बोला था कि तुम दूसरे आर्टिस्टों से मुख्तलिफ हो। हाँ तो हूं ना मुख्तलिफ, मैं ज्यादा बेवकूफ बना रहा हूं। तुम क्या बना के आ रही हो? हम भी बेवकूफ बना रहे थे। हाँ, वो कैसे? भाई आलू का सालन बना रहे थे, आलू कम पड़ गए, हमने दो चार टमाटर डाल दिए। किसी को पता तो नहीं चला ना, बड़ी बुरी बात होती है
आलू के सालन में टमाटर। तुम फैज की नज्म बहुत अच्छी पढ़ रही थी। नज्म इतनी अच्छी है जैसे भी पढ़ो अच्छी लगती है। खताती करते हो? कस्बे के पैसे बचाना चाह रही हो क्या? कैसे आदमी हो जो घबराहट हमको खामोश रह के होती है वही तुम्हारी बातें सुनकर। अच्छे इंसान हो, अच्छी शक्ल है, अच्छी सेहत है। देखो भाई एक बात है। क्या पता तुमको? वो ये है कि मैं बड़ा खुद पसंद आदमी हूं, अपने ऊपर किसी किस्म का एतराज बर्दाश्त नहीं करता। आइंदा मुझे अच्छी सेहत का ताना मत देना। अच्छा गलती हो गई, कैसा बशकल इंसान है। कॉफी प्लीज। इतना पढ़ लिख चुके हो, एक बात होती है इंकिसार, इसीलिए तो कॉफी के साथ प्लीज कहा है। आइंदा ऐसी बात मत करना। एज़रा पाउंड ने कहीं कहा है कि बाकी वही रहेगा तुझे जिससे मोहब्बत है, बाकी सब कूड़ा करकट है। परेशानी की कोई बात नहीं। तुमको अंदाजा ही नहीं है तुम कितने अच्छे इंसान हो। जो लोग अच्छे लगते हैं ना उनकी खूबियां गिनवाना कोई मुश्किल बात नहीं रह जाती। अच्छा ये बताओ कि तुम हमारे यहाँ के कौन से नंबर के आर्टिस्ट हो? भाई देखो बात ये है कि हमारे मुल्क में ये जो शायरी पेंटिंग वगैरह यानी फनून लतीफा है सारे, ये सब एक हादसा है। माने? माने ये कि बाद में पता चलता है कि कौन किस नंबर पे था, इसलिए पहले बताना बड़ा मुश्किल होता है। अम्मा आप खामखा मेरे कुर्ते पे इतनी मेहनत कर रही हैं। अरे बेटा हाथ का सिला हुआ कुर्ता बरसों चलता है, इसकी बात ही अलग होती है। एक तो आप लोग नामालूम मुझे क्यों जिंदा रखने पे तुले हुए। हाथ का सिला हुआ कुर्ता बरसों चलता है, अरे पहनने वाले भी तो है, वो कब तक चलता है? कैसी बातें करता है, अल्लाह तुझको हमारी भी उम्र दे बेटा। हाँ बेटा एक बात अब तुमको बता रही हूँ, महनाज को पता ना चले। हमारी जिंदगी में एक दो दिन ही तो खुशियों के हैं बेटा, उनमें से एक आज है। पता है आज कौन सी तारीख है? आज 30 तारीख है। अरे हाँ आज महनाज की सालगिरह है। बहुत अच्छा किया आपने मुझे याद दिला दिया, महनाज ने तो मुझे बताया भी नहीं। मैं अभी आया। गॉड आज नहीं, आज नहीं। गॉड एक दिन और, एक दिन और।
टेबल सब सब निकाल दिया। सफेदी करवानी थी ना, बेल तो फिर उखाड़नी पड़ती। चलो ऊपर चलो। पहले भी कहा है इतनी तेजी से सीढ़ियों से नहीं उतरते। कसूर तो तुम्हारा है, तुमने क्यों ला के दिए थे नए जूते? कहाँ जा रहे थे? इससे तो करीब ही जा रहा था। शुक्र है कि हड्डी बच गई, वरना हड्डी टूट जाती और गमला बच जाता तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। को क्या हुआ? वो मुझसे खामखा उलझ रहा था, मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया। हसन तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हो सुपरमैन? एकदम फर्स्ट क्लास। मुलाकात होगी। मोती किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? तुम लोग ठहर जाओ या ऐसे करो घर बताओ। हम घर बता कर आते हैं। ठीक है। तबीयत कैसी है? ठीक है। सिर्फ तबीयत के मामले में झूठ बोलते हो। वैसे आज का दिन तुमने अच्छा सेलेक्ट किया। मोती, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू हसन। अल्लाह मियां ने भी आज ही का दिन सेलेक्ट किया था। चाय पियोगे? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। एक बात मानो। कहो। कुछ सुना दो। दिल नहीं जा रहा। मेरा बात दिल जा रहा है। क्या सुनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो जी चाहे। दूरों से आई बारात, मैया मैं तो पाहूं निरी। मेरी दूरों से आई बरात, मैया मैं तो पाहूं निरी। छोड़ो छोड़ो मैया मोरान चरा, छोड़ो छोड़ो मैया मोरा अंचरा। मेरे बाबा ने हारे ये बोल रे, मेरे बाबा ने हारे हैं बोल रे। मेरे बाबा ने क्या हारे बोल रे, पीरों वलियों ने हारे है बोल रे। मैया मैं तो पाहुनी री, छोड़ो छोड़ो
बहना मोरान चरा छोड़ो छोड़ो बहना मोरा अंचरा मेरे भैया ने हारे हैं बोल रे मेरे भैया ने क्या हारे बोल रे महाराजू ने हारे हैं बोल रे महाराजू ने क्या हारे बोल रे पीरों वलियों ने हारे ये बोल रे मैया मैं तो पाहुनी री मेरी दूरों से आई बरात मैया मैं तो पाहुनी री कल चेकअप है और चेकअप ठीक निकला ना तो तुम्हें अम्मा से कहना पड़ेगा क्या छोड़ो छोड़ो अम्मा मोरा अंचरा आज चेकअप है अम्मा से कहने की दुआ करें वो तो सारी रात से जाग रही हैं तमाम रात पढ़ती रही आ जाओ बच्चों आ जाओ आ जाओ कोई दूसरा दोस्त मिल गया तो बच्चे हो गए वरना 20-25 दिन पहले हमारे से अलावा सब बच्चे थे हेलो मोती भाई तुम लोगों को इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी हसन ने पैसे दिए थे तोहफा तो और भी महंगा आ सकता था अगर हम चारों ने उसके हाथ पे कुछ और आइसक्रीम खा लिए होते इस वक्त हम आए हैं कहानी सुनने हाँ आज हम कहानी को एक नए मोड़ पर लाते हैं अम्मा को बुलाओ नहीं उनको अपना वजीफा पूरा करने दो अच्छा तो मैं आप सब लोगों का दोस्त हूँ कोई नई बात बताओ देखो दोस्त के बारे में सबसे पहले तो अपनी खुशफहमी दूर कर लेनी चाहिए दोस्त अगर कहीं चला जाए ना तो अपना दिल उदास नहीं करना चाहिए उसको कहीं और कुछ और काम भी हो सकता है ना तो उसके बारे में जो खुशफहमी होती है वो दरअसल अपनी गलती होती है और उससे ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए ऐसी नसीहत से क्या फायदा खुद ही रो रहा है नहीं तो मैं तो बहुत खुश हूँ मोती बड़ी अच्छी कहानी सुनाती है 3-4 दिन से बड़ी मजे मजे की कहानियां सुन रहा हूं मैं हसन पहले अपनी कहानी तो मुकम्मल करो तो भाई आप सब लोग एक क्लास में पढ़ते हैं तो जब आप वहां रहते हैं तो क्लास टीचर से आप लोगों को मोहब्बत हो जाती है फिर अगले साल आप नई क्लास में चले जाते हैं तो आप सब लोगों को अपनी जो पुरानी क्लास टीचर होती है उसको भूल जाना पड़ता है ना तो बस यही जिंदगी है अच्छा तुम लोग यहाँ मोती के पास बैठो मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ हम भी 1 घंटे में आ जाएंगे मोती की तबीयत ठीक नहीं लग रही जब तक हसन का बागीचा ठीक करते हैं गुड आइडिया हम साथ चले अरे मेरी तबीयत तो ठीक है खराब होती तो जरूर साथ ले जाता कब आओगे 12 बजे है ना बस 2 बजे आ जाऊंगा